दादा राजशेखावत जी आप कृपया करके अपने संबोधन को जारी रखिए, मंच पे आए। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय भंवर सिंह महाराज जी पधारे हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और हमारे मेरे बड़े भाई भ्राता राजेंद्र सिंह जी पधारे, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। और मैं आगे मांगों को पढ़ते हुए आप सब तक हमारी मांगे पहुंचाता हूँ। जो पहली हमारी जो मांग है वो है सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना। हमने 75 विधानसभा टिकटों की मांग क्षत्रियों के लिए राजस्थान में की, और वो 75 विधानसभा जहाँ हमारी भरपूर संख्या है, लेकिन उपेक्षा सालों से हमारी होती है। मैं इतना ही कहूंगा साहब, इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। 75 विधानसभाएं ऐसी है जहाँ हमारी संख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन उपेक्षा का शिकार हम हुए, अब हम उपेक्षित नहीं होंगे और इन मांगों पे सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़ेंगे। दूसरी जो हमारी मांग है वो है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग के गठन की मांग है। तीसरी मांग है क्षत्रिय छात्रों के प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हैं तो आयोग का गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून का पास कर स्वीकृति से लागू किया जाए। प्रदेश में गौ रक्षा कड़े कानून बनाना और दो मत और राष्ट्र मतदाता है तो उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म पर्यटन जिहाद।